हरि ओम। अक्षय फल देने वाली अक्षय तृतीया 10 मई 2024। पूज्य बापू जी कहते हैं, अक्षय तृतीया त्रेता युग का प्रारंभ दिवस, नर नारायण का प्राकट्य दिवस, परशुराम जी का प्राकट्य दिवस, भगवान हयग्रीव का अवतार दिवस, किसानों के कृषि कार्य का आरंभ दिवस, नूतन वर्ष का प्रारंभ दिवस। किसान इस दिन को वर्ष के प्रारंभ का शुभ दिन मानकर खेत खलियान में प्रवेश करे तो उसे बरकत आने के शकुन मानते हैं। अक्षय तृतीया भगवान बद्रीनाथ के पट खुलने का दिवस है तो आपके दिल के दिलबर के पट खुलने का दिवस भी है। हरि हमारे हृदय के पट खोले, हरि ओम शांति। जितना प्रीति पूर्वक होठों में जपते जाओगे, जप के अर्थ में शांत हो जाओगे, उतना ही जो हृदय में छुपा बद्रीनाथ भगवान है उसके पट भी खुलने के दिन निकट आ जाएंगे। इस दिन छाता, मटकी और भी चीज वस्तुओं का दान करने का अक्षय फल होता है, किंतु भगवान का ध्यान जप करके अपना अहंकार दान करना तो महाराज उसका असीम फल होता है। अक्षय तृतीया को जो जो करो उसका फल अनंत गुना होता है। पूज्य बापू जी कहते हैं, बच्चे बच्चिया ध्यान देना बेटे, अक्षय तृतीया के दिन किसी भी इच्छा से तुम जप करोगे तो वह अनंत गुना फल देगा। चाहे भगवान की प्रीति के लिए करो, चाहे भगवान के ज्ञान के लिए करो, चाहे भगवद रस के लिए करो, चाहे ब्रह्मचर्य पालने के लिए करो, चाहे कुटुंब में सुख शांति के लिए करो, जिसके लिए भी जप करोगे वह फलेगा। अक्षय यानी जिसका कभी नाश न हो। शरीर एवं संसार की समस्त वस्तुएं नाशवान है, अविनाशी तो केवल परमात्मा ही है। यह दिन हमें आत्मविवेचन की प्रेरणा देता है। अक्षय आत्म तत्व पर दृष्टि रखने का दृष्टिकोण देता है। महापुरुषों व धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा और परमात्म प्राप्ति का हमारा संकल्प अटूट व अक्षय हो, यही अक्षय तृतीया का संदेश मान सकते हैं। ऋषि प्रसाद से हरि ओम।